मैं ऑडियो कर दूंगी उसको। कर दिया मैम। ओके, थैंक यू सर, फिर से देखो एक बार। देखो ये हंसी भी ना, ये भी समझो, वही वो रो रही है, आते ही 16 सेकंड में मेरे पास रोने लगी, इसका मतलब इसका घर पे कोई नहीं सुन रहा है। ये खुद को मीन्स देवाशीष सर ने सही पकड़ा, 4 सेकंड फीलिंग कर रही है, मीन्स उसको 4 सेकंड लग रहा है अभी घर पे, इसलिए यहाँ पे आगे इतना तुरंत रो पड़ी ये पेशेंट। तो उसका चेहरा देखो, ये क्यों रो रही है ये समझो, उसका पेन क्या है ना ये समझो। मैंने पूछा रोना क्यों आ गया, इतनी जल्दी रो गए ना, तो फिर क्या रो, क्यों रोना आ गया, फिर ध्यान नहीं देते कभी, कौन है ध्यान देने के लिए। पेशेंट हमारे तरफ आने के बाद पहले 2 मिनट और लास्ट के 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा बोलती हूँ। पहले 2 मिनट में पेशेंट जो भी बातें करता है, वो जो बातें होती वो अनप्रेजुडाइज होती, मीन्स कॉन्शियस लेवल पे नहीं होती, सब कॉन्शियसली पेशेंट बोलता है। तो फिर इसने पहले क्या बात की कि अभी सासू माँ नहीं है ना, तो कौन ध्यान देगा मेरे तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आप लोगों ने ये पकड़ना है हमें। देखो ये जो मैंने बोला कि वो क्या बोले कि मम्मी जी थी पहले ध्यान किए के लिए, अब कौन ध्यान देगा, मैंने बोला हस्बैंड कहाँ है, तो बोली वो है दुकान पे, ऐसे हाथ करके बोल रही है वो है दुकान पे, मींस ये हस्बैंड से गुस्सा है थोड़ी सी, ये समझो उसका टोन देखो वहां पे क्या हुआ था, ये हस्बैंड पे गुस्सा है, उसने बोला हस्बैंड को, लेकिन हस्बैंड क्या बोले, टाइम नहीं है मुझे, ये समझो। ये चेहरा देखो, हाँ ये चेहरा है ना, ये पकड़ो क्या लग रहा है अभी ये पेशेंट का, बोलो अभी दुखी लग रही है मैम, दुखी लग रही है, पैथेटिक, पैथेटिक, ओके। और ये पैथेटिक नहीं है एक्चुअली, पैथेटिक का अलग फेस होता है थोड़ा सा, ये पैथेटिक नहीं, दुखी है, दुखी है, सैडनेस बोल सकते हैं, बुरा लग रहा है, सैडनेस, यस सैडनेस। और क्या है, पिटी हरसेल्फ, क्या बोले इसका, पिटी हरसेल्फ, पिटी हरसेल्फ, यस पिटी तो नहीं लगा सर, सैडनेस है। और क्या, हेल्पलेस लग रही है, हेल्पलेस, हेल्पलेस, ओके। और मैम लंबा वीडियो है, छोटा वीडियो है क्या, जस्ट ज्वाइन किया ना इसलिए पूछो, लंबा वीडियो है कि छोटा वीडियो है। हाँ सर, मैंने क्या किया, नहीं मैंने क्या किया, मेरे तरफ का चालू कर दिया वो, क्लब किया मैंने आपको टुकड़ों में दिया था ना, मैं वो बड़ा वाला स्टार्ट कर दिया मेरा। तो ये चेहरा कैसे लग रहा है मुझे ना, स्क्रीन पे दिखता नहीं कौन बोल रहा है, वही चेहरा देखा सिर्फ, उससे ही लग रहा है कि वो दुखी लग रही है, मतलब मायूस, यस यस, और डिसअपॉइंटेड लग रही है, डिसअपॉइंटेड, यस डिसअपॉइंटेड, पुअर फीलिंग, साइड से भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है वो, यस। और ये जो चेहरा है ना, ये चेहरा आज ध्यान में, हाँ बच्चे कैसे मासूम रहते हैं ना, कोई चीज खो जाने पे, हाँ इनोसेंट लग रही है वो, हाँ तो वो तो है, उसको एक बार नेव रूब्रिक लेके एक रेमेडी दी थी, भगवान क्या हुआ इसे, कंप्लेंट क्या है कंप्लेंट, हिमोराइड से। चलो ये चेहरा ध्यान में रखो, मैं आगे चलती हूँ।
पल्सिटीला का चेहरा ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखो। और आप सब लोगों ने पल्सिटीला बोला, पल्सिटीला डे हेलमेट डे ऑफ लॉकडाउन में है क्या, कहीं पे फोन से भी इसमें है क्या, किसका माइक चालू है, किच किच। हेलो देखो फिर से इसे रोना आ गया। मैंने बोला मेरे हस्बैंड को नगर पे ही चलो मुझे दिखाने के लिए, तो फिर उन्होंने बोला टाइम नहीं, इसकी वजह से बुरा लगा। तो बोले हाँ आवाज देखो उसका कितना मिस अंदर गया वो आवाज। देखो यहाँ पे बहुत लोगों ने एस्टोनिश रूबर किया ना, तो है ना एस्टोनिश है पेशेंट, लेकिन वो बाकी के एस्टोनिश रेमोनियम मैच हो रहा है क्या, ये देखो ना, हेलो ये नहीं मैच हो रहा है, लेकिन एस्टोनिश है। देखो ये भूल गई इसकी मम्मी जी थे, इनको इतना सीवियर पाइल्स का प्रॉब्लम था, मेरा पूरा बेड भर गया था ब्लड का, ब्लीडिंग पाइल्स था उनका, वो पूरा ठीक हो गया था, लेकिन ये भूल गई कि मेरे तरफ इनकी मम्मी जी को फर्क गिरा था। ये क्यों हुआ ना ये सब सोचो, ये पेशेंट कैसे भूल गई ना ये सोचो, क्यों भूल गई होगी बोलो। हेलो ग्रीफ की वजह से। यस परफेक्ट प्रज्ञा, ये ग्रीफ में है, कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी ने ग्रीफ क्यों नहीं पकड़ा, ये चेहरा भी ग्रीफ का है, बहुत बढ़िया प्रज्ञा, ये पेशेंट ग्रीफ में है, फलसिटी का नहीं है, ये सचमुच का ग्रीफ है, समझा ग्रीफ, समझा ग्रीफ में ये पेशेंट को है ना, इसके शू में जाके समझने की कोशिश करो, मुझे समझ में आई रेमेडी तो फिर मैंने दे दी थी, आगे चलते। अच्छा पुठे लक्षण चलाते, देखो उसने खुद ही बोल दिया था, ऐसे ऐसे वक्त में क्या क्या याद रखता है ना, कोई याद नहीं रहता है थी ऐसे इसमें, मतलब इसका कहने का ये है कि जब मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, मेरी सासू माँ की डेथ हो गई, तो मैं क्या इस दिमाग में रखू ना कि आपकी तरफ उनको फर्क गिरा था, ये ग्रीफ है। देखो याद आया तो मेरे पास आ गए, तो फिर मैंने पूछा कि अभी पेन में कैसे रहती, पेशेंट पूछते तो मेरा पेन जब रहता है तो आप क्या करते, तो बोले कुछ नहीं, तो मैंने बोला कब से, तो बोले 8-15 दिन हो गए, मैंने बोला इतने दिनों से तकलीफ सेन कर रही है, हो हाँ होता। देखो यहाँ पे ग्रुपिंग वगैरह ऐसा रूप नहीं लगेगा, मेन कोर जो है वो पकड़ो पेशेंट का पहले, ये क्या बोल रहे, मुझे लगा कि समर है हीट की वजह से होता होगा वगैरह, ये सब छोड़ दो, ये पकड़ो मत, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो पहले पकड़ने का ग्रीफ। देखो यहाँ पे फिर से एस्टोनिश लगेगा, एस्टोनिश है तो ये क्या बोल रही है, परसों मुझे ब्लड गिरा और क्या हुआ ना, मुझे मेरे साथ 8 दिन हो गए लेकिन ब्लड क्यों गिरा ना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा इसे, ये घबरा क्या आ गए फिर, देखो यहाँ पे अगर स्ट्रेमोनियम होता ना तो हमें डर दिखता, उसका टोन में तो दिखता, भले आपका ब्लर हो लेकिन टोन में तो दिखता ना, वो डिनाय करता हमें, लेकिन यहाँ इसने ऐसे नहीं किया, वो क्या बोल रही वही कि मुझे कुछ होना जाएगा ना, ऐसे करते और फिर से उसका चेहरा देखो, फिर से चेहरा देखो, जानबूझ के मैंने ये केस आपको ऐसे डायरेक्ट दी है, तो सिर्फ यहाँ वहां मत मिस, ये ब्लर करके समझ में नहीं वाली चीज नहीं थी इसलिए मैंने दिखाया, तो फिर कोई कहाँ पे शेयर मत करो प्लीज। लगे
देखो फिर बार 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 रो रही है पेशेंट। मैं मेरे हस्बैंड के पास भी बहुत रोई मैं उस दिन। अभी क्यों रो रही ना ये देखो, देखो मैंने डायरेक्ट पूछा, अभी मुझे समझ में आया कि आपको कोई नहीं ऐसे लगता है क्या आपको, तो बोले हाँ कोई नहीं पूछा। देखो वो बार बार पेशेंट बार बार कौन सी चीज पर फोकस कर रहा है ना ये देखो पहले, बार बार मम्मी जी बार बार मम्मी जी आ रहे, तो हमारे दिमाग में कुछ तो क्लिक होना चाहिए ना। हेलो ये समझ आ रहा है, पेशेंट जब एक बात बार 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 बोलता है ना तब उस पर ध्यान दो, वो चीज बिल्कुल छोड़ने की नहीं। फिर से मोबाइल का जब काम मीन्स बात आई तो फिर क्या बोली, मम्मी जी के पास जा रही थी तब मोबाइल गया, मीन्स ये मम्मी जी को भूल रही है क्या? दे, दे। Yes, ये मम्मी जी को बिल्कुल नहीं भूल रही है। चलो बस मैम मम्मी जी मेरे साथ क्या, हाँ पुणे में थे वो। हेलो एक मैंने पूछा अभी पेन हो रहा है क्या, तो बोली हाँ बैठ ही नहीं जा रहे मुझे ऐसा। मैं बोल रही आपको कोई नहीं ऐसे क्यों आपको लग रहा है, घर में तो सब है ना। देखो कैसे रो रही, मैंने पूछा मम्मी जी गई इसकी वजह ज्यादा टेंशन आ रहे थे, ये देखो यहाँ पे हो गई रही मेरी, तो आप भूल नहीं पा रहे मम्मी जी, कैसे हो रहा है कि आपको तो भूल मुंडी ला रही इसे, बोलो कौन है ये? बोलो इग्नेशिया इग्निशिया लग रही ना गुड। ये बीपिंग सॉबिंग वगैरह सब है अभी देखो मैं ही थी ना उनके साथ 15 दिन में ही थी उनके साथ, ये बीच चीज होता है भी। मैं भी मेडिसिन दे रही हूँ। हाँ। देखो मैंने पूछा कि अचानक हो गया ना, तो बोले हाँ देखो मैंने बोला बहुत दिन हो गए ना अभी इनको, ये कंफर्मेशन है, मैंने जानबूझ के काटा था क्योंकि आप लोग भी आपका दिमाग चलाओ ना, मुझे पूछो ना कि आपने क्या पूछा मैम, आपने ये पूछा क्या, किसी ने भी नहीं पूछा। मैंने बोला था आपको कुछ पूछना है कि सिटी क्यू, किसी ने नहीं पूछा सिटी क्यू। मैंने पूछा कि आपको ऐसे क्यों, अभी कितने दिन हो गए 7 महीने फिर भी आप नहीं भूल पा रहे, बोली नहीं तो हो गया इग्निशिया। अभी मैंने 200 का एक डोज दिया है। देखो क्या बोल रही है, मैं उनके साथ रही ना तो फिर और मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने बोला आपके दिमाग से नहीं जा रहा है ना, तो बोली हाँ। देखो ये आगे हमें सिर्फ रेमेडी बोलनी है हमारी कंफर्मेशन। देखो ये क्या बोल रहे, साइनिंग इग्निशिया साइनिंग के रूप में है, इग्निशिया साइन करेगी, तो ये क्या बोल रहे है? मैंने मेरे आंखों से देखा ना, देखो साइन चल रहा था इसका, देखो दिखा साइन दिखा मैम, देखो थोड़ा किया किया
दिखा यहाँ पे था एग्जैक्ट 5.24 फिर से हुआ चिकन की डेथ हो रही थी ना, मैंने उनको देखा था ऐसे बोल रही थी। मैंने बोला आप उनके साथ थे? हाँ मैं उन्हें उनको छोड़ा ही नहीं ऐसे बोल रही थी। देखो अब ये स्टोरी बताएंगे पूरी कि उन्होंने कैसे गई कैसे आई वगैरह, ये स्टोरी बता रही। तो ये जो स्टोरी बता रही है ना इसका भी एक रूब्रिक है, क्या है बोलो? अभी अभी तो रेमेडी पता है आपको, क्या आएगा फिर? अभी इसका रूब्रिक जो गई वहां पे बैठी उठी ऐसा किया वैसे किया सब सब बोल रहे, उनको लेटाया बिठाया पानी दिया, इसका क्या रूब्रिक आएगा अभी? अफेक्शनेट है क्या? नहीं डेल कर रही है ना ये पास्ट डेल कर रही है ये अभी ये समझो ये ड्वेलिंग है ये पास्ट पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस है इसकी इसकी मेमोरीज अच्छी है क्या जो उनके साथ बैठा है वो अच्छा नहीं है ना तो वो ऑकरेंसेस है ना वो अच्छे नहीं है इसलिए वेल्स पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस इस रूब्रिक में आएगा समझा ग्रीफ का ये समझा ना आप लोगों को चेहरा मीन्स वो जो फेस कैसा रहेगा ये समझा yes, ma'am. किसी को डाउट इसमें चलो फिर हम लोग क्या करते हैं अब आपको तो पूछने के लिए कुछ राय नहीं मैं तो बोल दिया रेमेडी कोई बात नहीं सर आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर से चालू करो अभी जी मैम कर दीजिए जी मैम कर दीजिए जी मैम थैंक यू सर तो ये जो केस है ये हिमोराइड्स की केस है तो ये हिमोराइड्स की केस में हमें कैसे अप्रोच करना है ना ये थोड़ा सा हम लोग देखें और इसके बारे में किसी को आप बोलना है क्या कुछ पहले बोलो हमने केस देखा है इसमें कुछ किसी को डाउट है या कुछ बोलना है बोलो थोड़ा सा अलग हो गया आज पहले केस देखी और बाद में ये लेकिन वो केस वैसे ही कर सकते थे हम लोग किसी को अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनीमन जिनके वजह से हाँ आज हम लोग बहुत सारे लोगों को ठीक कर पा रहे हैं तो मुझे तो बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि मैं होम्योपैथ बन गई मैं पहले बी फार्मेसी में गई थी 6 महीने बी फार्मेसी किया उसके बाद होम्योपैथ बनी मैं तो मुझे अच्छा लग रहा है तो ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर अशोक मोहंती सर जिनके बर्थडे सेलिब्रेशन के हम लोग अभी ये सेशंस ले रहे हैं बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लिए हैं और उस दिन प्रवीण सर ने लिखा था कि सब प्लांट किंगडम की रेमेडीज आ रही है तो देखते आगे क्या आते तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम लोग भी ये डालते ही है रेमेडी तो दिनेशा डाला मैंने ग्रेटिट्यूड टू ऑल IHF मेंटर्स एंड आवर IHF मेंबर्स थैंक यू सो मच चलो केस हिस्ट्री केस तो हमने देख लिया हिमोराइड्स की केस है और इसमें ये जो लेडी है इसको 15 डेज की हिमोराइड्स का प्रॉब्लम है उसको एक्स्ट्रा ग्रोथ भी थी ये इसने फॉलोअप में बोला था मुझे ग्रोथ भी है तो वो भी गल गया उसका ग्रोथ वाला जो एक्स्ट्रा ग्रोथ आई थी वो भी निकल गया सब इसी से लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा सा है ना वो मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने कैसे मैनेज किया था इसको क्योंकि एक डोज में उसको ठीक नहीं लगा था तो ये जो केस है ये हिमोराइड्स की केस है और इसको 15 दिन से सीवियर कॉन्स्टिपेशन है हिमोराइड्स की तकलीफ है बहुत बर्निंग होती है और फैमिली फैमिली में इसके IPR में उसके हस्बैंड दो बच्चे इसकी
जेठानी नहीं, क्या बोलते हैं, देवरानी, देवर और उनके दो बच्चे, ऐसे हिस्ट्री है। और सेवंथ मंथ में इनकी जो सासू माँ है उनकी डेथ हो गई है और उसके बाद इसको ये अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तो मेडिसिन देने के बाद उसने फॉलोअप में एक इंसिडेंस मुझसे शेयर किया था। तो पहले जब केस दे रही थी तो वो केस देते वक्त बहुत रो रही थी, उसका जो चेहरा था वो पूरा ग्रिप में मुझे लगा था, पूरी सैड थी वो और उसे फोर सेकंड फीलिंग था। तो मैंने ये फील पे ही उसे रेमेडी दी थी और मैंने उसको सीटी क्यू भी पूछा था कि मम्मी जी को आप भूल नहीं पा रहे हो, तो बोले हाँ भूली थी, इसके लिए मैंने उनको इग्निशिया 200 का डोज दिया। 200 का डोज देने के बाद उनको थोड़ा सा ही अच्छा लगा, फिर मैंने तुरंत 1 mg डोज दिया, 1 mg देने के बाद उसको फ्रेश लगा और पेन पूरा कम हो गया। तो ये केस है, आगे चलते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? और हाँ, और एक इंसिडेंस उसने फॉलोअप में बोला था, जो इंसिडेंस था वो ऐसा था कि उनके जो मदर इन लॉ की जब डेथ हुई थी तब इनके कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने बोला था कि तूने ही उनको चाय में कुछ दिया था, इसके वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो ये फादर इन लॉ की डेथ हुई तब हुआ था। और अभी क्या, उस वक्त वो कुछ नहीं बोली थी, अभी भी फिर वैसे ही हुआ कि मदर इन लॉ की डेथ हुई तो यही उनके साथ थी, तो अभी भी वही रिलेटिव उसको बोले कि तूने ही इनको कुछ किया होगा। तो जो रिलेटिव के पास मदर इन लॉ रह रही थी पुणे में, उन्होंने बोला कि इसने कुछ नहीं किया, हम सब लोग एक साथ थे तो इसने कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने बोला कि आप कुछ क्यों नहीं बोली? तो मैंने कि नहीं, पहले तो फादर इन लॉ के टाइम पर नहीं बोल सकते थे क्योंकि वो बड़े हैं। और इस बार मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला और वो रिलेटिव में भी बोला उनको। और जब भी कोई मीन्स वो काम मुझे बताते थे कि हमारे कपड़े लेके आओ वगैरह, तो ये उनको डायरेक्ट बोल देती थी वो रिलेटिव को कि आप खुद होके जाके आओ, आप जा सकते हो ना, आपको दिखता नहीं कि मैं भी काम कर रही। ये इग्निशिया का होता है, इग्निशिया जब तक सहन होता है तब तक सहन करती है, जब सहन नहीं होता है तब वो मीन्स उसका एंगर बहुत खतरनाक होता है, वो सहन नहीं करती ये बात में, तो ये इग्निशिया का होता है। आगे चले या आप तक किसी को डाउट? तो पेशेंट ग्रिप में है, साइलेंट ग्रिप में है ये पेशेंट। मेटाफिजिक्स, हिमोराइड्स के मेटाफिजिक्स क्या है? दे आर द इफेक्ट ऑफ डायलेटेड वेंस इन द रेक्टम एंड एनस, दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन। हमारे पेशेंट को सेम यही है। दे इंडिकेट अ प्रेशर क्रिएटेड बाय इमोशनल स्टेट। तो हमें मेटाफिजिक्स में कैसे देखना है कि हमारी जो इमोशनल स्टेट है वो प्रेशर में आ गई है एंड उसके साथ फियर भी है, तो हमें ये हिमोराइड्स का प्रॉब्लम आता है। तो ये हमारे पेशेंट में था, तो वो इमोशनली मीन्स वो जो स्टेट थी उसकी, उसके लिए जो रिलेटिव्स उसे जो बोल रहे थे ना, उसकी वजह से वो बहुत प्रेशर में आ गई थी क्योंकि बोल नहीं पा रही थी ना, क्योंकि वो मोरल में ही बोलेगी कैसी बोलेगी, तो उसके मोरल आड़े आ रहे थे इसलिए वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन उसका साइड इफेक्ट उस पर हो रहा था, उसका एंगर तो है था ना, इसकी वजह से ही सिपाही सारे। तो इमोशनल स्टेट्स एंड फियर्स दैट वी डू नॉट वांट टू डिस्प्ले और विच वी स्पीक, मुझे हमें जो बोलना है हम लोग नहीं बोल सकते, प्रेशर में आ गई है। हिमोराइड्स टेल्स अस अबाउट व्हाट वन इज फोर्स्ड इन अ सिचुएशन, इसको जो सिचुएशन में फोर्स्ड कर रही है वो खुद ही कर रही है। एज has to be forced to pass through, इसीलिए constipation भी उसको means forceful stool होती है ना, ये भी हो रहा है उसको। We feel obliged to do something we cannot deliver, means हमें forcefully चीजें करनी पड़ रही है, ऐसी situation है जो हमें नहीं चाहिए, जो situation हमें displease कर रही है उसमें हमें जीना पड़ रहा है, तब hemorrhoids का problem आता है। We demand too much and force ourselves to finish what we do. तो तब हम क्या करते हैं ना, खुद को है ना फोर्सफुली उस सिचुएशन में रखते हैं, हमें नहीं रहना उस सिचुएशन में, लेकिन हम लोगों को वो उस सिचुएशन में हम लोग जो फोर्सफुली रहते हैं ना तब हमें हिमोराइड्स का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। थैंक यू। समझा यहाँ तक? हिमोराइड्स का मेटाफिजिक्स समझा? फोर्सफुल सिचुएशन रहेगी और हमें कोई चीजें नहीं करने फिर भी करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे हम और हिमोराइड्स आने वाले हैं। तो ये हमारे पेशेंट में था। फियर ऑफ बीइंग अबंडेड बाय मदर और नॉट डन मॉर्निंग फॉर मदर, मीन्स ये भी हमारे पेशेंट में, इसने मदर ही मदर इन लॉ को ही मदर ही समझ रही है, मीन्स वो मुझे छोड़ जाएगी या फिर मॉर्निंग नहीं किया अभी तक उसने मदर इन लॉ का। हेलो, ये मैच हो रहा है?
कितना परफेक्ट है ना मेटाफिजिक्स, तो हम लोगों को थोड़ा सा मेटाफिजिक्स भी देखना है, बहुत परफेक्ट है। तो ये जब सिचुएशन आएंगे हमारे ह्यूमन राइट्स के पेशेंट आएंगे ना, अगर पेशेंट नहीं बोलेगा ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने क्या इससे पेशेंट को, तो फिर पेशेंट बोलेगा मेरे पेशेंट डायरेक्ट बोले तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो नहीं बोलते हैं सिक्रेटिव रिजर्व वर्गर लोग रहते तो उनको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने के फिर यहाँ तक किसी को डाउट चले आगे। और एक लुईस ये है, ये जो पहला था ये नोइंग यूर सेल्फ है ना बुक उसमें से है, और ये जो है ये इसमें से लुईस है ना उसमें से, तो उन्होंने मेटाफिजिक्स का क्या दिया है ह्यूमोराइड्स का, फियर ऑफ डेडलाइंस एंगर ऑफ पास्ट, इसको कहीं ना कहीं एंगर ऑफ पास्ट है 100%। जो लोग उसको फादर इन लॉ के टाइम बोले थे कि तेरे वजह से तेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई तूने ही कुछ किया, वो एंगर इसके दिल में 100% होगा, इसीलिए तो फिर इसको ये डिजीज आई, ये समझो, ये समझा फियर बर्डन, ये तो इसमें दिया। और जो फियर ऑफ डेडलाइंस रहता है ना ये भी रहता है, प्रेशर में रहते हैं ना लोग, हमें कुछ करना है, मतलब ये भी हम लोग ले सकते हैं ह्यूमोराइड्स का, पूछ सकते हैं पेशेंट को कुछ काम है और आपको वो उन्होंने कुछ डेडलाइंस दी है क्या, तो उसके बाद ह्यूमोराइड स्टार्ट हुआ है, ये भी हम लोग मेटाफिजिक्स ले सकते हैं। तो चलो हमने तो पेशेंट का चेहरा देखा है, देखो ग्रीफ का चेहरा कैसे होता है, ये मैंने गूगल से लिया है, था हमारे पेशेंट का चेहरा सेम था। यस मैम, यस मैम, ये ग्रीफ वाला चेहरा भूलो मत अभी। What is grief? The state you are in, the unexpressed part of you which cries out the loss, which laments for the loss silently. Silent grief होता है इग्निशिया का, है ना? Means rubric क्या है? इग्निशिया का मतलब rubric क्या दिया है repertory में? Grief silent दिया है, silence दिया है क्या? ऐसे दिया है क्या repertory में silence? क्या दिया है? ग्रीफ साइलेंट है, ग्रीफ साइलेंट का मतलब ये होता है कि पेशेंट के अंदर, मराठी में हम लोग बोलते कल्लोल, मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे अभी इसको, कल्लोल बोलते, मीन्स उसके अंदर चालू है कुछ कुछ वादर, हिंदी में क्या बोलेंगे रे कल्लोल को, कोई हेल्प करो, तूफान, भावनाओं का तूफान, तूफान बोलेंगे, तूफान, गम बोलते, गम गम, हाँ गम है, भावनाओं का तूफान अंदर चालू है, भले हमें साइलेंट दिख रहा है वो चेहरा, लेकिन उसके अंदर वो गम का इमोशंस की जो है चल रही है फाइट, तो ये होता है ना, ये ग्रीफ होता है। ग्रीफ को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डीप रहता है, ये जो ग्रीफ होता है ना, ये इमोशन बहुत डीप है, उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जब हम लोग ऐसे फेसेस देखेंगे, बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, तब हमें ये समझ में आएगा। तो ग्रीफ में क्या होता है ना कि हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो लॉस हुआ है, हमें जो लॉस हुआ है, ग्रीफ कब आता है ना, जब हमें कुछ लॉस होता है, कब होता है? सो दैट दिस लॉस ऑफ वैल्यूएबल पर्सन एंड इट इज इरिवर्सिबल कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। ग्रीफ कब आता है ना, जब हमारे जब वैल्यूएबल पर्सन को हम लोग खोते हैं या फिर चीज को खोते हैं, तो तब हमें ग्रीफ आता है। और जो है ना, किसी चीज के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, वो पर्सन, वो लव, जो भी है, जो खोया है हमने, वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, तब हमें ग्रीफ आता है। और वो जो ग्रीफ आता है ना, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं लोग, लेकिन अंदर ही अंदर रोते हैं बहुत, वो उस लॉस के लिए वो रोते रहते हैं, तो उससे ग्रीफ बोलते हैं। यहां तक समझा? तो ग्रीफ हमें डायरेक्ट कभी नहीं दिखेगा, पेशेंट कभी नहीं बोलेगा कि मैं ग्रीफ में, हमें ग्रीफ समझना है। हम लोग पेशेंट को बिल्कुल नहीं पूछ सकते तुम ग्रीफ में हो क्या, सैड हो क्या, हमें समझना है पेशेंट क्या है। तो ग्रीफ का फिर से एक बार डेफिनेशन करती हूँ, द स्टेट यू आर इन अनएक्सप्रेस्ड पार्ट ऑफ यू विच क्राइज आउट द लॉस विच लैमेंट्स फॉर द लॉस साइलेंटली। हम लोग जो हमारी लॉस हुआ है उसके बारे में साइलेंटली लैमेंट करते हैं, तो वो ग्रीफ होता है। एंड विच मेक्स द एनवायरमेंट सडन विथ ग्लूम, हम वो सडन ग्लूम में जाते हैं, मीन्स हमें पूरा अंधेरा दिखाई देता है,
हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो ग्रीफ होता है। जैसे इस पेशेंट को समझा नहीं मेरे पास आना है, उसकी मदर इन लॉ ठीक हुई है, उसको समझ में नहीं आया, कह रहे मैं भी मैडम के पास जा सकती हूँ, उसके समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये ग्रीफ में थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता। ग्रीफ में जो लोग होते हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो खुद में ही रहते हैं। समझा यहाँ तक? और इग्नेशिया का ग्रीफ क्या दिया है ना, ग्रीफ रिसेंट दिया है। तो रिसेंट का मीनिंग क्या है, ये महेश चंद्र सर से मैंने सीखा था, जब मैं उनके ग्रुप में थी तब उन्होंने ये सिखाया था, ये सब मोस्ट ऑफ द नोट्स मैंने उनके लिए ग्रीफ के, तो ग्रेटिट्यूड टू महेश चंद्र सर, उनसे मैंने ये ग्रीफ का मीनिंग सीखा है, और रुशाली मैम से भी मैंने सीखा है, वो मैंने दोनों क्लब किया इसमें। तो ग्रीफ रिसेंट क्या होता है ना, कि मिस स्टेट ऑफ डार्क ग्लूमिनेस इज डिवाउचरिंग इज ऑल प्रेजेंट एंड नथिंग रिमेन्स आफ्टर देन ग्रीफ। मिस रिसेंट ग्रीफ क्या होता है ना, कि सब वो खा जाता है, मिस वो जो है ना हमारा जो प्रेजेंट है ना वो सब खा जाता है, और जो रहता है वो ग्रीफ रहता है बस। बाकी के मिस हम लोग जब कोर्ट में जाते बोलते ना सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, वैसे होता है ग्रीफ का, अंधेरे के बिना कुछ नहीं मेरा, सिर्फ ग्रीफ 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 ऐसे रहेगा, वो रिसेंट ग्रीफ रहेगा, क्योंकि उसका फ्यूचर और प्रेजेंट वो नहीं रहेगा ग्रीफ में। ग्रीफ में सिर्फ पास्ट होता है ना, वो उसी में जिएगी, वो ड्वेलिंग वाला रूब्रिक है ना ये इसमें लगेगा। समझा ये ग्रीफ में पेशेंट कैसे समझने का, रिसेंट ग्रीफ में वैसे रहेगा, प्रेजेंट नहीं वो एंजॉय करेगा पेशेंट। ग्रीफ हैज एनगल्फ एवरीथिंग अराउंड एंड इफ इज एग्जिस्टिंग इज ओनली ग्रीफ, मीन्स हमारे अराउंड जो भी कुछ है वो सब ग्रीफ खा जाएगा और हम सिर्फ ग्रुप ग्रीफ में ही जिएंगे। एवरी वन एंड एवरी थिंग इन द वर्ल्ड मूव्स ऑन बट नॉट ग्रीव्ड वंस, जो ग्रीव्ड करता है, जो ग्रीफ में है वो मूव ऑन नहीं करता है, वो उसी जगह ठहरता है। जब पानी ठहरा हुआ रहता है ना, तालाब का पानी कैसे ठहरा रहता है, तो वैसे ये ग्रीफ का रहता है, वो मूव ऑन नहीं करते वो लोग, उसी ग्रीफ में जिएंगे, उसी ग्रीफ में जिएंगे। जैसे ये पेशेंट है, 7 महीने हो गए, सब लोग काम पे लग गए, फिर भी ये उसी में जी रहे, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, अब मेरे साथ कौन बात करेगा, मेरे को कौन देखेगा, मेरी केयर कौन लेगा। क्योंकि इग्नेशिया बहुत रोमांटिक रेमेडी होती है, उसका जो रोमांटिक जिसको समझ में आता है ना उसके साथ ही वो ज्यादा घुल मिल जाती है। हस्बैंड को ये समझ में नहीं आया, इसके मदर इन लॉ ने बराबर भापा था इसको, तो मदर इन लॉ के साथ इसका रोमांटिक रिलेशन था, वो उसने खो दिया है, वो लॉस उसे हो गया अभी, और उस पर वो लैमेंट कर रही है अभी, लेकिन वो कैसा है, साइलेंट लैमेंट है, साइलेंट ग्रीफ है उसका, साइलेंट सैडनेस है। समझा यहां तक? किसी को डाउट? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस क्लियर। इट इज द डार्कनेस ऑफ ग्रीफ इन यू एंड अराउंड यू, सब डार्कनेस रहेगा, एंड एनीथिंग यू फाइंड इन डार्कनेस ऐड टू योर डार्कनेस, मीन्स जितना डार्क करेगा उसमें हम लोग सिर्फ डार्कनेस ही ऐड करते जाएंगे, ग्रीफ वाला उसमें हैप्पीनेस ऐड ही नहीं करेगा, जितना डार्क आएगा उतना डार्क ऐड करते जाएगा और डार्कनेस नहीं रहेगा। इफ एनीथिंग यू डू और अटेम्प्ट टू डू कंडेंसेस योर डार्कनेस, मीन्स जो भी चीज हम लोग करते जाएंगे ना वो किस लिए करेंगे, क्योंकि और डार्कनेस बढ़ना है, और डार्कनेस बढ़ना है, उसकी वजह से और डार्कनेस बढ़ेगा, नहीं भाई वैसी साइकिल रहेगी ये ग्रीफ की। तो ये जो होता है ना इसे बोलते हैं रिसेंट ग्रीफ। समझा रिसेंट ग्रीफ? दिस इज रिसेंट डज नॉट मीन प्रेजेंट, रिसेंट का मतलब प्रेजेंट नहीं है, बट द प्रेजेंट विच इज जस्ट पास्ट, मीन्स अभी जो प्रेजेंट है वो गया, लेकिन ये कहाँ पे जी रही है, पास्ट में जी रही है। ये बहुत डीप है, समझाइए। यस यस, ग्रीफ के स्टेजेस दिए है, ये सब गूगल पे है, आप अगर गूगल पे जाएंगे तो सब मिलेगा। तो ग्रीफ के स्टेजेस है, ये फिजियोलॉजिकल स्टेजेस है, ये पैथोलॉजिकल नहीं है। तो जो भी पेशेंट या कोई भी पर्सन ग्रीफ से जाएगा तो उसे ये 7 स्टेजेस से जाना है, वो जाता है।
लेकिन कई बार कोई कोई लोग एक हद स्टेज में अटक जाते हैं, तब वो बीमार गिरते हैं। तो हमारी पेशेंट एक स्टेज में अटक गई है, वहां पे वो बीमार गिरी है ना। तो पहला जो होता है शॉक एंड डिनाई, पेन एंड गिल्ट, एंगर एंड बार्गेनिंग, डिप्रेशन, द अपवर्ड टर्न, रिकंस्ट्रक्शन वर्किंग थ्रू, मीन्स हमें खुद ही उससे बाहर आना है, एंड एक्सेप्ट एंड होप। ये फिजियोलॉजिकली मीन्स हमें ये फिजियोलॉजिकली सब ग्रीविंग जो होते हैं उनके इसमें होता है। अगर पेशेंट किसी एक स्टेज में अटकेगा तो उसे मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। समझा यहाँ तक? जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो हमें ग्रीव का पेशेंट कौन से स्टेज में अटका है ना, ये समझना है, उसको वहां पे पकड़ना है। तो हमारी पेशेंट कहाँ पे अटकी होगी, क्या लगता है? फर्स्ट स्टेज में यस, डिनाइन तो है या उसके आगे गई है। देख, लॉस एंड हर्ट, पहले तो उसको शॉक लगा, इसकी मदर इन लॉ गई, उसको शॉक लगा। स्टेजेस दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे? अगर नहीं दिख रहे तो मुझे बोल के बताओ, क्योंकि मुझे ग्रुप का कुछ दिखता नहीं है अभी। तो ये स्टेजेस दिख रहे हैं ग्रुप स्क्रीन पे, लॉस एंड हर्ट दिख रहे हैं। पहले तो उसके मदर इन लॉ गई, इसका लॉस हुआ, वह उस वक्त ये हर्ट हुई, फिर अचानक से गई, इसकी वजह से उसको शॉक लगा है। और शॉक लगने के बाद देखो, बहुत बार हम लोग नंब हो जाते हैं। तो ये सब फिजियोलॉजिकल है, ये ध्यान में रखो। ये नम हो जाते, ये नम हो गई, उसने डिनाई कर दिया, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी मदर इन लॉ नहीं गई है, ऐसे डिनाई कर लिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है इमोशनल आउटबर्स्ट की, इमोशनल आउटबर्स्ट में हमारी पेशेंट एंगर में है, फियर में है, जो सब लोगों को स्टेमोनियम लग रहा था, फियर एस्टोनिश, उसमें भी इग्निशिया है। अगर एस्टोनिश का रूब्रिक देखेंगे कंप्लीट रिपर्टरी में, उसमें इग्निशिया दिया हुआ है। तो ये इमोशनल आउटबर्स्ट के ये स्टेज में हमारी पेशेंट अटकी है और एंग्री भी है, क्योंकि वो पास्ट एंगर है उसका, जो लोगों ने उसको बोला था, उसका एंगर है, हस्बैंड का एंगर है, उसकी वजह से इसको हिमोराइड्स आया। समझा? यहाँ पे हमारी पेशेंट है और हमें यहाँ से उसको निकालना है, और वहां से वो बहुत अच्छे से निकली है पेशेंट, वही है, सिर्फ अलग अलग दिया है। अवॉइड करेंगे, कंट्यूशन करेंगे, फियर, नमनेस, ब्लेम, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, इरिटेशन, एम्बेरसमेंट, शेम, ये सब सेकंड स्टेज में है ना। ये देखो, फ्रस्ट्रेट भी हो गई हमारी पेशेंट, एंजाइटी में है, इरिटेट भी हो गई है, एम्बेरस भी फील कर रही। वो जो मैंने वीडियो दिखाया था ना, उसमें दिखाया था मैंने, पहले एक दो सेकंड में जो हंसना था ना उसका, वो एम्बेरसमेंट का था, वो जेस्चर में बताना भूल गई, वो एम्बेरसमेंट का था। तो यहाँ पे हमारी पेशेंट अटकी है। चलो, यहाँ पे किसी को, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। है तो चले आगे। तो इग्निशिया है ना, रिसेंट ग्रीप में हमारे पास जब आएगी ना, तब कैसे पकड़ना है ना ये पेशेंट को। इग्निशिया के बहुत सारे ग्रीप के है रूबिक्स, डिसेप्शन, ट्रॉमा, डायबिटिक विथ है, फ्राइट विथ है। देखो, आप लोगों ने फ्राइट जो पकड़ा ना, वो सही है। इग्निशिया, अगर हम लोग नैश नैश का जो बुक है ना, मटेरिया मेडिका, वो पढ़ो, उसमें दिया है जो फ्राइट के बाद मीन्स वो जो रहता है ना, वो इग्निशिया का एक दिया है उन्होंने, कुछ तो केस वगैरह कुछ दिया है फ्राइट का। तो हमें जो आइकोनाइट वगैरह लगता है ना, तो वो इग्निशिया भी हमारे पास ऐसे फ्राइट के बाद आ सकती है। ग्रीप में गई, हमारी भी पेशेंट ग्रीप में गई, अचानक से मदर इन लॉ की डेथ हो गई ना। हेलो, ग्रीप फ्राइट आफ्टर, ग्रीप डायबिटिक विथ, ग्रीप लूजिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर, इसका मीनिंग क्या है? मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स जिसके लिए वो जी रही थी ना अभी, उसकी मदर इन लॉ के लिए, उसके पास वो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रहा, वो उसका लूज हो गया, इसकी वजह से ये ग्रीप में गई है। समझा? ये रूब्रिक भी हम लोग रेट्रो में लगा सकते हैं। तो
कहाँ पे थे हम, हाँ ऑब्जेक्ट, ग्रीक डायबिटिक विथ, इसका मीनिंग क्या है बोलो अभी, बहुत इजी है, मिठास चली गई है जिंदगी में तो, इसकी जिंदगी से मिठास चली गई है, हर एक के लिए शुगर अलग अलग है ना, इसके लिए इसकी मदर इंडा इसकी शुगर थी, इसकी जिंदगी में बस कुछ नहीं बचा है, बस वो और उसका ग्रीफ, बस बाकी कुछ नहीं बचा है इसकी जिंदगी में, ये डायबिटिक विद ग्रीफ विद डायबिटिक, उसके लूजिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर मीन्स उसको कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा, ग्रीफ फ्रॉम लॉन्ग पास्ट ऑफेंसेस, उसके साथ जो पास्ट में ऑफेंसेस हुए उसके बाद ग्रीफ है, पनिशमेंट है, साइनिंग विद है, साइलेंट ग्रीफ है हमारे पेशेंट में, साइलेंट ग्रीफ आफ्टर एंगर, एंगर के बाद वो साइलेंट ग्रीफ में जाएगी, लव डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम, ये नहीं है हमारे केस में, तो साइलेंट ग्रीफ तो पक्का है, साइलेंट ग्रीफ का मीनिंग समझा, साइलेंट मीन्स अंदर कल्लो चल रहा होता है और साइलेंस में बिल्कुल कुछ नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं ना कीप साइलेंस, तो ये ठोकते हैं ना वो कहाँ पे, ऑर्डर ऑर्डर करते कीप साइलेंस कीप साइलेंस, कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस, मीन्स आवाज नहीं चाहिए, शांति चाहिए, यहाँ पर शांति नहीं रहती है साइलेंट में, ये हमेशा ध्यान रखो, किसी को कुछ पूछना है पूछो, योर लव हैज बीन द मैजिक ऑफ माई सोल, थैंक यू फॉर गिविंग मी यूर हार्ट, थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर बींग देयर, इग्निशा को ऐसे लगता है कि हमेशा ऐसा ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना लाइफ में, हेलो, हमारे साथ लाइफ लॉन्ग कोई नहीं रह सकता है, हमें खुद का खुद ही जीना है, समझा, तो ग्रीफ से अगर बाहर आना है तो वो जो फिजियोलॉजिकल स्टेजेस दिए है ना, ये जो फिजियोलॉजिकल स्टेजेस है ना उसमें से हमें गुजरना ही है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस हमें एक्सेप्ट करना है चीजें, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना तो फिर तो वो सीवियर ग्रीफ में जाएगा, ये पेशेंट वहां तक गई है अनफॉर्चुनेटली उसे होम्योपैथी के लिए, यहां तक समझा, थैंक यू फॉर द गुड टाइम्स द डे यू फील्ड विथ प्लेजर, थैंक यू फॉर द फॉन्ड मेमोरीज एंड फॉर फीलिंग आई विल ऑलवेज ट्रेजर, ऐसे हमेशा को हमेशा डाउट, किसी को डाउट है कुछ पूछना है मैम, आफ्टर हर इन लव डेथ उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुए क्या हेमरॉइड्स के, हाँ उसने वो सहन किया सहन किया सहन किया, फिर उसके बाद 7 महीने के बाद उसको स्टार्ट हुआ, ये भी समझो तुरंत नहीं स्टार्ट हुआ इसको, क्योंकि इग्निशा है ना, ये पल्सेटिला होती ना तो वो तुरंत स्टार्ट कर देगी उसी वक्त, मीन जब उसको बोलते ना वो लोग रिलेटिव उसी वक्त ये स्टार्ट कर देगी सब इसका, समझा, उसी वक्त चक्कर आके गिरती कुछ तो होता इसको पल्सेटिला को, फिर ये इतने दिन तक नहीं दम धरती, मीन्स वो इतने पेशेंस में नहीं रहती, इग्निशा थी इसलिए इसने इतना इतना राड़ा नहीं किया, क्योंकि इग्निशा मोरल में है ना, तो शायद पहले जो ब्लेक लग रहा है उसके बाद इतना करती भी नहीं ना, एक मिनट आप प्रज्ञा, एक मिनट वो ट्रैक्टर दौड़ देती, हाँ बोल बोल, पल्स होती तो पहला ब्लेम लगने के बाद सांस का इतना करती भी नहीं करती, किसी का देखो पल्सेटिला का एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ उसमें है क्या, वो पल्सेटिला पहली बात तो देखो, जब भी किसी की डेथ हो जाएगी ना उसके बाद पल्सेटिला जिसके जिसके क्लोज रहेगी ना तो वो भूल जाएगी उसको, वो दूसरा लव्ड वन बना देगी तुरंत, पल्सेटिला को किसी की डेथ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हेलो, ये सेगमेंट ऑफ में नहीं है, नहीं है वही तो ना, इसमें नहीं है पल्सेटिला, नहीं उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, और हमारा पेशेंट उस रूब्रिक में है ना एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ, और उसकी मदर इन लॉ इसके लिए ये थी रोमांटिक थी, और अगर इग्निशिया का रोमांस निकाल देंगे तो इग्निशिया में कुछ नहीं बचता है, जीरो हो जाती इग्निशिया, फिर ग्रीफ,
समझा क्या? इसका रोमांस ही निकल गया ना, लाइफ का शुगर मींस डायबिटिक आ गया इसको, समझ आ रहा है? ये वो डायबिटिक हो गई है। देखो अगर इग्नेशिया का हम लोग ये देखेंगे, में फॉरवर्ड कर देती हूँ, की नोट देखेंगे। तो दिख रहा है की नोट्स, इग्नेशिया के की नोट्स में क्या दिया है? इमोशनल सेंसिटिविटी, मीन्स इग्नेशिया बहुत इमोशनल रेमेडी, ये समझो। मीन्स कौन सा भी इमोशन हो, चाहे वो एंगर हो, हैप्पीनेस हो, किसी के डेथ हो, जॉय हो, लव हो, कुछ भी इमोशन हो, ये बहुत सेंसिटिव होती है कौन से भी इमोशन के लिए। ये ना इसमें दिया है हमारा क्या है वो फिलिप बेली, फिलिप बेली में दिया, फिलिप बेली में से इग्निशा को बहुत बढ़िया दिया। कौन सा भी इमोशन हो वो बहुत सेंसिटिव होती है इग्निशा। इग्निशा इज सो सेंसिटिव दैट इवन रिलेटिवली नॉर्मल फैमिली कंडीशन दैट अपीयर्स टू बी हार्मलेस कैन जनरेट इनसिक्योरिटी। मीन्स थोड़ा सा भी नॉर्मल अगर बोलेंगे ना, फिर भी इसके दिल में इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स उसको बोलू के ना बोलू, ऐसे लगता है इग्निशा के आईपीआर को। समझा? इग्निशा के साथ रहना इतना आसान चीज नहीं है। जिसने जिसने इग्निशा लिया बुरा मत मानो। देखो इग्निशा का और एक दिया है उन्होंने फिलिप बेली में से कि इग्निशा बहुत इजीली हर्ट होती है ना, शी विल नेवर फुली ट्रस्ट अगेन। देखो वंस द इग्निशा चाइल्ड हैज बीन डीपली हर्ट, शी विल नेवर फुली ट्रस्ट अगेन। अ वॉल फियर ऑफ बिटर बीइंग में भी है इग्निशा शायद से। अ वॉल बिगिंस टू फॉर्म अराउंड द इंजर हर्ट, अ काइंड ऑफ कैलस व्हिच बिकम्स थिकर एंड मोर रिजिड विद एवरी न्यू ट्रॉमा दैट लाइफ ब्रिंग्स। एट दिस स्टेज डिफेंसिव वॉल इज एक्सप्रेस्ड एज एंगर एंड इंडिग्नेशन। मीन्स ये बहुत सेन करेगी, बहुत सेन करेगी, बहुत सेन करेगी। विच वेल्स अप व्हेनेवर द इग्निशा इंडिविजुअल फील्स दैट शी हैज बीन रिजेक्टेड, लेट डाउन और निग्लेक्टेड। जब उसको ये फील आएगा ना अभी मुझे ये निग्लेक्ट कर रहा है ना, तब वो स्टेज में आएगी हमारे पास। समझा? तब तक वो सहन करेगी, पल्सिटी नहीं करेगी ऐसा। समझा मेन डिफरेंस? द मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्निशन इज इमोशनल इंटेंसिटिविटी, इमोशनल इंटेंसिटी। All emotions, anger, sadness, joy, love, fear, lust are felt by Ignatia individual with a degree of intensity not seen in any other type. ऐसे फिलिप बेली में दिया है। तो इग्निशिया बहुत मीन्स हमें ना ये पल्सिटी लगी जैसे बहुत बार लगती है, हम लोग इग्निशिया को बहुत बार पल्सिटी लगी थी। तो आपने जब पल्सिटी ला दिया है और केस नहीं निकले तो याद करो वो पेशेंट आपको याद है क्या, माइट बी वो इग्निशिया हो। और ग्रीफ का क्या बोला है फिलिप बेली में, ग्रीफ विल सॉब हिस्टोरिकली एट फर्स्ट इन अ काइंड ऑफ एक्टिव शॉक रिएक्शन फॉलोड बाय वीक्स ऑफ इमोशनल वोलेटिलिटी इन विच आउटबर्स्ट ऑफ सॉबिंग एंड ऑल्सो एंगर अल्टरनेट पीरियड्स ऑफ साइलेंट। मीन्स पहले हिस्टोरिकल रहेगी, फिर बाद में वो साइलेंट ग्रीफ में जाएगी इग्निशिया। समझ आ रहा है ये? और उसके बाद वो मच वर्स व्हेन अलोन, मीन्स उसके बाद वो अलोन फील करेगी खुद को। डिल्यूजन अलोन बीइंग में नहीं है रेमेडी, लेकिन वो खुद को फिर अलोन फील करेंगी, मीन्स फॉर सेकंड फील करेगी। इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि आप खुद को अकेले समझ रहे थे, कोई नहीं ऐसे लग रहा है कि आपको, क्योंकि एक्टिव स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में ही ना फिलिप बेली में ये सब दिया है। तो ये क्रॉस मिस सिटी को पूछने के पेशेंट को। चलो यहां तक समझा? किसी को डाउट? फास्ट हो गया क्या? क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा फास्ट हो गया मैडम, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है।
नहीं नहीं मैं आज थोड़ा फास्ट ही जा रही हूँ क्योंकि क्या हुआ ना मेरे बहुत काम पेंडिंग रह गए आज. सॉरी सॉरी नहीं पूछो मुझे नहीं समझो. बहुत अच्छा था वो जो परसेप्शन है ना कि इग्नेशिया आती है तो रोती है नहीं है वो नहीं है वो तो आज पक्का ब्रेक हो गया. अरे बहुत रोती है इग्नेशिया. सिर्फ उसको है ना समझना चाहिए कि ये सामने वाला जो पर्सन है ना वो रोमांटिक तो चेक तो करते ही है बोला सिक्योरिटी का क्या. अरे कौन बोल रहा है घर की बातें प्लेटफॉर्म पे मत लाओ सीक्रेट रखो. क्या बुक्स है उसकी या तो नया स्कूल में जाएगी. अरे नया स्कूल कौन खोलने वाला है. अरे बापरे सर किसका नया स्कूल है म्यूट करो उसे. देख रहा हूँ मैम डॉक्टर संगीता मैम. विकास जी नहीं आए थे बैंगलोर नहीं आए थे ना वो. ओके बोल पूछो. अभी कोई कुछ पूछ रहा था तो मिस वीपिंग में इग्निशिया आती है लेकिन कब वीप करेगी ना जब उसे समझेगा ना कि सामने वाला भी उतना ही रोमांटिक है समझा तो वो वीपिंग करेगी. वो क्या है ना पहले मेरे पास आई है पेशेंट इसीलिए उसे पता है इसलिए वो जल्दी रो गई मेरे पास. अगर किसी दूसरे के पास जाती थी इतना जल्दी नहीं रोती शायद से. लेकिन सेकंड विजिट में तो इग्निशिया रोएगी अगर अननोन फिजिशियन है तो. लेकिन हमें उतना रोमांटिक उसे दिखाना पड़ेगा ना. मे बी रोमांटिक हमें भी पता होना चाहिए वो इग्निशिया तभी हम लोग उसे दिखा सकते हैं. हेलो समझ आया. ये कीनोट में दिया है इमोशनल सेंसिटिविटी रिफाइंड आर्टिस्टिक. इग्निशिया बहुत आर्टिस्टिक होते हैं. फिलिप बेली में आर्टिस्टिक का बहुत मस्त दिया इग्निशिया का. रोमांटिक होते हैं वो बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं. इनका मेन कॉन्फ्लिक्ट कहा होता है जब रोमांटिक फीलिंग एंड रियलिटी मैच नहीं होती. देखो ये हस्बैंड को नहीं समझ आ रहा है कि ये रोमांटिक है और इसे ये समझ में नहीं आ रहा कि अरे रियलिटी अलग है. इसकी वजह से ये बीमार गिर फिर से. डिससेटिस्फाइड विद इमोशनल लाइफ इग्निशिया कभी भी इंटेलेक्चुअल लाइफ नहीं जीती हमेशा इमोशनल लाइफ जीती. और सामने वाला इंटेलेक्चुअल होगा तो इसके तो वाटी लग जाती है. तो थोड़ा सा हमें बैलेंस करना आना चाहिए हमारे लाइफ में इमोशंस यानी इंटेलेक्ट का बैलेंस. जब होता है ना तब हम लोग बीमार नहीं होते. अगर वो बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर हम लोग बीमार भी जाएंगे. इसमें भी दिया अनेबल टू क्राई क्राइज व्हेन अलोन सॉबिंग. लेकिन अलोन वो क्यों रोई क्योंकि उससे लगा कि मैं सुन सकती हूँ मुझे समझा उसका दर्द क्या इसीलिए वो रोई. एक्चुअली ब्रूडिंग है साइलेंट ग्रीफ है साइनिंग है. और हमारे पेशेंट में क्या है ओवर स्ट्रेन है हमारी पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड है. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर मीन्स रोमांटिक नेचर एंड हर वर्क ये भी है. एंजाइटी अबाउट हेल्थ भी है ये सब है. और पूछो और कुछ नहीं समझा पूछो. थोड़ा सा इसका हम लोग कोसोलॉजी भी देखेंगे लेकिन अभी तक क्या नहीं समझा वो पूछो पहले. तो मैं क्या करती हूँ अभी कोसोलॉजी ये करती हूँ एक मिनट मैं सिर्फ ऑडियो दिखाती हूँ इसका फिर वो फिर सर को मैनेज मीन्स वो वीडियो डालने के लिए प्रॉब्लम नहीं. तो ये पेशेंट स्टैमर है ना पहले से स्टैमर है उसका तो वो मत कंसिडर करो. थोड़ा सा आवाज का डिस्टर्बेंस आ रही है. देखो मैंने क्या किया ना जब मुझे समझा ये इग्निशिया है तो फिर मैंने 200 का डोज दिया. मैंने सोचा कि ठीक है 200 से हो सकता है इसे मुझे लगा मैंने दिया. वो बोले इतना फर्क नहीं थोड़ा सा ही फर्क है. तो फिर मैंने दूसरा दिया मतलब दूसरा मतलब 1 एम दिया. 1 एम देने के बाद ये फॉलोअप है कि ये मैंने पूछा क्या लग रहा है तो ये बोले कि मुझे ना फ्रेश लग रहा है. ये फर्स्ट फॉलोअप है. और फिर से आई हो मेरे पास मैं आपको डेट बता. मैंने उसको चौथे दिन फिर से बुलाया था किसी का माइक चालू. मैंने उसको फोर्थ डे पे फिर से बुलाया था तब का ये फॉलोअप किया.
ये मैंने पूछा अब आज कैसा है, बोली आज ठीक है, ये मिलता वो तारीख देखिए तो आज ठीक है बोली, लेकिन मैं जब जाके आती हूँ लैट्रिन को तो वहां उस जगह पर बहुत खुजली होती, बहुत खुजली होती, तो फिर अब क्या करेंगे हम लोग ऐसा जब फॉलो पाएंगे तो फिर क्या करेंगे बोलो कोसोलॉजी। वाटर डोज देंगे, 1 एम का वाटर डोज। मैंने बोला था इसे जब तकलीफ होगी तो ले लो, इसने लिया कि नहीं ये देखते चलो। April 23 को आई थी 1 एम का वाटर डोज बोला था मैंने उसको। देखो जब भी हिमोराइड्स के केसेस होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है हिमोराइड्स के केसेस में बाद में इचिंग होना स्टार्ट होती है, तो हमें ये समझना है कि हम लोग राइट ट्रैक पे है। हेलो किस किस को ये पता है, किस किस ये हाँ, तो जब भी हिमोराइड्स ठीक होते हैं ना तो उसको खुजली आती है बात। मैं तो पेशेंट को बोलती हूँ कि ये जख्म भरती है ना तो हाँ बराबर, मैं भी बोलती हूँ कि देखो हमें हाथ पे भी कभी कुछ जख्म हो गई तो उसके बाद में जब खुजली आती तो ठीक होती है, खुजली होने के बाद की स्टेट जो होती है उसके बाद वो ठीक होती है जख्म। वैसे ही हमारे उस जगह पर होता है जब आपकी बर्निंग कम है और आपको खुजली आ रही है तो आप अभी ठीक होने वाले हो। मैंने बता दी थी क्वेश्चन को तते बोल रहे थे हजरी कल ये बटन कर लो हजरत से पप्पा से कहीं जो तो हाजी से कहीं दिया हां नहीं दिवस नहीं तो सब हां लेकिन मैं जो ना ले तो क्यों ले टेक्स तुम्हारा लग लेना होते। देखो मैंने पूछा कि अब सासू माँ का जो याद आ रहा है क्या आपको, वो दिमाग में आ रहा है क्या? तो बोली आ रहा है लेकिन थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है याद कि वो क्या बोल रही, वही मैं वहां पे थी ना, मिस उसका डेलिंग गया नहीं अभी तक, जो ड्वेल पास डिसेब्रल ऑकरेंसेस है ना वो गए नहीं, उसका चेहरा फ्रेश हुआ है लेकिन वो गया नहीं उसके दिमाग से अभी भी, हाँ वो चल रहा है अभी तो कुछ भी चेंज नहीं उसमें। मोबाइल पाटा मत नहीं एक ना मत विचार तो देखो अकेले रहती हूँ तो फिर मुझे याद आता है, काम करती हूँ तो याद नहीं रहता, फिर से वो उस स्टेट में जाती है बिल्डिंग में तो पूरा पिक्चर वैसे के वैसे बता रही थी। जब पेशेंट हमें ऐसा पिक्चर बताता है ना कि मैं ऐसे गई वैसे गई ऐसे, तो ड्वेलिंग का जो रूब्रिक है ना ड्वेल वाला वो थोड़ा सा ध्यान में रखने का, उसमें जाके देखने का ड्वेलिंग के सब रूब्रिक्स में जाके कि ये कौन सा ड्वेलिंग हो सकता है। हेलो ये समझा, ड्वेलिंग का ब्रूडिंग अलग होता है, ये ड्वेलिंग है, ये ड्वेलिंग पक्का है इस केस में, ये पढ़ी है तो ये निकलता नहीं इसके दिमाग से, देखती हूँ आगे क्या है। ये सुबह कितने बजे उठती वगैरह ये दिया। चलो तो फिर मैंने क्या किया, अभी उसको बोला कि वाटर डोज, वाटर डोज लेने के बाद वो फिर से आगे एक तारीख को देखो अभी क्या बोल रही है, फरक गिरा मुझे
लेकिन मुझे फिर से तकलीफ होने लगी। अभी अभी जो पहले का था वो कितनी तारीख का था, 23 अप्रैल का था ना, और ये अभी 1 मई का है, अप्रैल मई का है। तो मुझे ना ऐसे चुभता है, ऐसे बोल रही है अभी वो मुझे बहुत बहुत चुभता है। हाँ आज ना सब ढंग नहीं, आज सब क्लास जाने में लैटिन वाला वाला आज सी थोड़ा करीना सब क्लास जाला आज सी आधा आधा टूट गई माला दो लेसन पानी चाले मजा ये औषध चालू केले पासून आज नॉर्मल यस कलर पेच नाही एकदम ये आज खूपच तो ये बोल रही है कि जब से ये दवाई चालू की थी तो उस मीन्स मुझे कॉन्स्टिपेशन का बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन आज मुझे फिर से सीवियर कॉन्स्टिपेशन हुआ है और बहुत बर्निंग हो रही है और चुभ रहा है। चलो अब क्या करोगे बोलो, क्या करोगे अब बोलो फटाफट। लोअर डोज और क्या करोगे? वाटर डोज में रिपीट देंगे नहीं एलएमडी चालू कर सकते हैं। मैंने एलएमडी चालू कर दिया, गुड, मैंने 0/1 स्टार्ट कर दिया उसको, मैंने 0/1 10 स्ट्रोक डीडी दिया, दो बार ले लो 10 स्ट्रोक वीडी स्टार्ट किया। हाँ तो उसने एक्स्ट्रा ग्रोथ बोली थी वो वीडियो में नहीं थी, तो वो उसने फाइनल फॉलोअप में अभी ये लास्ट फॉलोअप है वीडियो वाला। हाँ सुनो अभी देखो उसका जो एक्स्ट्रा ग्रोथ था वो भी गया, बर्निंग गई, सब सब उसका कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब, तो ये फाइनल फॉलोअप था। और फिर भी मैंने ये जून का फॉलोअप था, 7 जून का, 1 मई के बाद 7 जून का फॉलोअप। तो पाइल हीमोराइड्स को ट्रीट होने में पेशेंट को 2-3 महीने 4 महीने लगते ही, क्योंकि वो इतनी जल्दी से नहीं होती है। तो समझा ये पोस्टोलॉजी कैसे करनी है। मैंने इसको एलएम क्यों दिया ना प्रज्ञा, क्यों मैंने लोअर पे क्यों नहीं आई ना प्रज्ञा, क्योंकि उसके मेंटल सिम्टम्स गए नहीं थे ना, तो फिर लोअर पे आके क्या करने का। फिर अभी उसको ऐसे दवा देनी है कि वो हाइपोटेंसी भी है और माइल्डली भी काम करे, इसलिए मैंने फिर एलएम लिया। तो 0/1 ही स्टार्ट किया मैंने, दो और तो मैं 0/1 से स्टार्ट करती, 0/1 ही स्टार्ट किया। अभी मैंने कल उसे फोन, कल नहीं उस दिन मैंने उसे फोन किया था कि केस प्रेजेंट करनी है, तो फिर उसको अभी फिर से पूछते है कैसी है उसका ऑडियो देखती। हेलो बोलो, हेलो सोनल मैडम बोलते। हाँ बोला मैडम, म्हटलं मी तुमचं ते केस स्टडी करत होते मला आठवलं तू। अभी देखो पेशंट को बोलना पड़ेगा केस स्टडी करती, उसको थोड़ी बोलेंगे कि मैं वहां केस प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं बोला केस स्टडी कर रही थी इसलिए आपका केस है ना फाइल्स का प्रॉब्लम, तो मुझे बताओ तुमचा मुलगाचा त्रास कसा आहे ते विचारत होते मी व्हाट्सअपला। मैंने उन्हें व्हाट्सअप पे मेसेज किया था, उन्होंने देखा ही नहीं, तो मैंने 2 दिन के बाद कॉल किया। आमचा परत अभ्यास असतो ना तो, हा म्हणून मी विचारत होते मग तुमचा त्रास कसा आहे। हा चांगलाय मॅडम, त्रास नाही झाला नाही झाला पुन्हा क्लास मला गुड, तेच विचारायचं होतं की परत त्रास। तो ये बोल रही है मैंने पूछा फिर से तकलीफ हुई क्या, तो बोली नहीं फिर से मुझे तकलीफ नहीं हुई। झालाय की नाही आता बरेच दिवस झाले, जवळजवळ 7-8 महिने गेले ना। हो हो मैंने बोला बहुत दिन हो गए, 7-8 महिने हो गए ना, तो हाँ बोली लेकिन आगे देखो 7-8 कसं वर्ष झालं हसी में चेंज है।
पेशेंट के हंसी से भी देखो यार, पेशेंट खिलता है ना तो उसकी हंसी अलग आती है। जब वो पहले हंसती थी तो वो अलग थी, अभी हंसी वो अलग। तो वो क्या बोल रही, 7-8 महीने नहीं, 1.5 साल हो गए, 1 से 1.5 साल हो गए अभी। देखो मम्मी जी को ही 1.5 साल हो गए ना ये बोलते वक्त, अभी इसका टोन देखो, मैं फिर से लगाती हूँ वो टोन देखो अभी, और पहले जो मम्मी जी बोलती थी ना वो टोन देखो। समझ आ रहा है टोन में फर्क, पहले मम्मी जी बोलना और अभी का मम्मी जी बोलना, ये बहुत डिफरेंस है टोन में। टोन से भी पेशेंट, जब ऑडियो केस लेते तो टोन से ही निकालनी पड़ती है केसेस, टोन भी देखो। अरे बाप, या पिटल पाता 2 वर्ष होती मम्मी जी। अरे बाप, मालिक कितना खुल के बोल रही है, ये पितृपाठनी हम लोग ये बोलते हैं गणपति के बाद आते वो डेज, तो वहाँ वो 2 साल होने वाली मम्मी जी को जाती है। तो 2 महीने नहीं, हाँ मत बरोबर है ना, अपन तेवाच केली होती तुम्हाला त्रास त्याच्यानंतरच। वो बोल रही है उसी वक्त से हमने स्टार्ट किया था ना ट्रीटमेंट, वो गई थी तो समझा। ग्रीफ समझा पेशेंट का, ग्रीफ समझो पेशेंट का, ग्रीफ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर हम लोग पल्सेटिलास ट्रेमोनियम ऐसे रेमेडीज पे आएंगे। और कौन सी रेमेडीज थी, सेपिया, सेपिया क्यों लगी आप लोगों को रोने से, आप लोग रोने में फंस गए हैं, लेकिन हर रेमेडी का रोना अलग है ना, वो क्यों रह रही है, कैसे रो रही है ना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। वो भी पकड़ाओ, पकड़ो वो भी पकड़ना सीखो, नहीं तो फिर क्या मतलब है ना। सब वीपिंग के तो बहुत सारे रूब्रिक है, बहुत सारे इसमें बोलो। और किसी को कुछ डाउट, नहीं तो फिर चलो मुझे वो केस भी करनी है। हेलो मैम, एक मिनट। हाँ बोलिए। हाँ मैम, नेहा बोल रही हूँ। मैम मुझे ऑरम म्यूट मेट्रोनेटम आया था माइंड में, तो आपके माइंड में क्यों नहीं आया मैम, एएमएन ये आया था पहले, तेरे मन में क्यों आया बोल। मैम वो मदर इन लॉ से बहुत ज्यादा क्लोज थी और उसकी डेथ के बाद में बहुत ज्यादा शॉक में गई, तो मुझे वो एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ मदर वाला रूपरेख माइंड में आया। और क्या आया, और मुर्नट का एक ही रूबरी पे देगी क्या तू, और क्या लगा और मुर्नट क्या, और क्या क्या क्लब करेगी। सिंगल रेमेडी रूबरी पे नहीं देती हूँ मैं, मुझे नहीं आता इतना, सिंगल रेमेडी रूबरी पे नहीं देती मैं, पूरा पेशेंट देखती हूँ। और क्या लगा एम इन का, नहीं यही मैम, बहुत क्लोज थी ना, मतलब हस्बैंड से इतनी क्लोज नहीं थी लेकिन मदर इन लॉ से बहुत क्लोज। क्यों क्लोज के लिए मदर, क्यों क्लोज थी ना ये समझना। अच्छा अच्छा ओके। और मुर्नेट का और एक क्या होता है, ईगोटिज्म में हो रहा है, कैसे भी ईगोटिज्म में लगी है पेशेंट। नहीं नहीं नहीं, ईगो नहीं लगा फिर। ओके, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन मदर, ईगोटिज्म में नहीं ना वो। ईगोटिज्म में है। ईगोटिज्म में है ये मैन। हाँ वही ना, तो फिर ये पेशेंट है क्या हमारी, ईगोटिज्म में लगी क्या। और हम ये तो अनयूजुअल है, अनयूजुअल रिस्पांसिबिलिटी लेता है ये। हाँ बराबर, वो ऑरम है ना, मिस वो मेटल है ना, उसको कुछ तो हमें लगना चाहिए ना, वो ऐसी पेशेंट आएगी हमारे साथ बात करेगी, कुछ तो मेटल का कुछ लगना चाहिए ना हमें फीलिंग, ऐसा कुछ लगा नहीं ना इसने, कुछ किया है मेटल के जैसा कुछ नहीं लगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लिया है ऐसे भी नहीं है। ये तो मोरल की वजह से सास और ससुर की सब कर रही थी। एक मैडम ने लिखा था, बहुत अच्छे से लिखा था उन्होंने, इग्निशा लग रही है, हाँ डॉक्टर विद्या है, उन्होंने लिखा था स्ट्रैम लग रहा है, इफ नो टू स्ट्रैम देन इग्निशिया, पेशेंट को निग्लेक्टेड फीलिंग है, आज हस्बैंड ध्यान नहीं देता है, पहले मम्मी जी थी वो ध्यान देते थे, मम्मी जी को मिस कर रही है, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन
मोरल वाली लग रही है, सास ससुर के अच्छे ध्यान रख रही है, ये परफेक्ट है। मोरल की वजह से ये चुप भी बैठी है ना, बोली नहीं उन लोगों को कुछ भी जो उसको बोल रही है। सर ने, मैनिक सर ने लिखा है, अकेले है हम तो क्या गम, सब गम ही गम। डिसकंसर्टेड। नेहा क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम, थैंक यू। मैं ना शिंदे सर को पूछने वाली थी कि इग्निशा उनके हिसाब से है कि सर उनका अलग रहता है ना, वो है कि शिंदे सर है, शशिकांत शिंदे सर। नहीं है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? यस सर आ रही है आवाज। बोला मैडम, इग्निशिया तुमच्या आणि इग्निशिया कसं आहे? तुमचा आवाज नाही ती सर, नाही आ रही आवाज। सर तुमचा आवाज तुटतोय सर। मैम आवाज नहीं आ रही है। हाँ मेरी नहीं, सर सर बोल रहे हैं लेकिन सर की आवाज नहीं आ रही है। चलो और किसी को बोलना है इग्निशा, तब तक सर का वो आएंगे। बोलो और किसी को कुछ बोलना है पूछना है। इग्निशा बहुत बड़ा है और इसके स्पेशल में हम लोग और भी बहुत सारी ये ले सकते हैं। इस बहुत सारे मटरा मेडिका में इग्निशा ऐसा दिया हुआ है जो होता है। मैम ब्रूडिंग थोड़ा समझा दीजिए। क्या ब्रूडिंग? क्या? हाँ मैम ब्रूडिंग थोड़ा समझा दीजिए। ब्रूडिंग में क्या होता है ना, हम लोग जब ब्रूड करते हैं मीन्स बार बार वही थॉट आता है हमारे दिमाग में और उसमें से हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं कुछ, तो इसमें से कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखने जाएंगे तो बहुत सारे डिक्शनरीज में इसका ऐसे देखें, हैचिंग ऑफ द लेग्स मीन्स जो एग्स होता है ना, एग्स उसको हैच होता है ना, उसके बाद जो निकलता है ना वो मीन्स जो हेन होती है ना वो एग्स पे बैठती है और पॉप 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 ऐसे करती बैठती है और उसके बाद उसमें से वो चिकन निकलता है ना। तो जब भी हमारे दिमाग में ऐसे थॉट्स चलेंगे कि मैं ऐसे इस मीन्स कुछ थॉट चलता है तो वो थॉट क्यों चलता है, तो उसमें से कुछ सोल्यूशन निकलने वाला है। तो हमें कुछ सोल्यूशन चाहिए किसी सिचुएशन पे, तो हम लोगों को वो सिचुएशन में जब सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं ना वो ब्रूडिंग रहता है। समझा सर? धन्यवाद। बोलो और किसी को कुछ डाउट? शशिकांत सर का आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ रेंज का प्रॉब्लम है सर आपका। इग्निशिया इज कैंसर मायाइज्म ऑफ लोगेनियासी फैमिली, इनकम्प्लीट कंट्रोल बीन इन शॉक। आई हैव इंटरेस्ट। हाँ सर चलो और किसी को कुछ बचा बताना है इग्निशिया का? बोलो वो जो रो रही थी उसका भी सॉबिंग नहीं है ना, सॉबिंग है ना उसका भी पिंक सॉबिंग है। वैसे तो मैंने पेशेंट को ग्रीफ में ही किया था, ग्रीफ ही पकड़ा था। तो रूब्रिक्स तो ऐसे सच कुछ लिए ही नहीं, लेकिन अगर इग्निशिया के रूब्रिक्स आप लोगों को लेने हैं तो वो 4 सेकंड में है और एस्टोनिश में है और क्या, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लॉर्ड 1 में है। और क्या चाहिए?
एंगर भी था उसका, निग्लेक्टेड थी, एलिमेंट्स फ्रॉम निग्लेक्टेड बीइंग में है और एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट में है। बहुत बार हमें इग्निशा फ्राइट फ्राइट में हमारे पास आ सकती है, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट में है, एलिमेंट्स फ्रॉम रिसेंट ग्रीफ है, इंडिग्नेशन भी है, उसको इंडिग्नेट ही किया ना वो जो रिलेटिव्स थे उन्होंने। और क्या रूब्रिक लेंगे? अरे म्यूट करो म्यूट करो, कौन बोल रहा है? बोलिए। और किसी को कुछ डाउट इग्निशिया में? हेलो, नई अकाउंट चलते हैं। प्रवीण सर है क्या? जी मैम। हाँ सर, अगर किसी को डाउट नहीं होगा तो हम लोग एंड अप कर दे फिर। मेरा तो ऑलमोस्ट हो गया सब बोल के। कार्सिनोसिन फ्रीजिंग में है, किसी ने पूछा डीडी विद कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन रूप है ना, प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज में है ना, तो यहाँ पर वो ऐसा नहीं दिखा कुछ भी। मार्केर गिरी करता है कार्सिनोसिन, तो वो भी नहीं दिखा यहाँ पे, इसलिए कार्सिनोसिन नहीं। जी मैम, कार्सिनोसिन बहुत ज्यादा एफेबिलिटी में भी होता है। प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज में होता है ना, तो अगर ग्रीफ भी है उसको तो फिर भी वो कहीं ना कहीं प्लीज करने की कोशिश करता है आईपीआर को। और दूसरा क्या है कि जब हमको पेशेंट ग्रीफ में दिखता है ना, तो नेटोम्यूर और इग्निशिया ये दोनों प्राइम मेडिसन हैं ग्रीफ की, साइलेंट ग्रीफ की। पहले तो आपको इनको वो करना चाहिए, देखना चाहिए कि इग्निशिया है या नेट्रम्यूर है, फिर उसके बाद जैसे ऑरोम्यूर नेट्रम है या दूसरी रेमेडीज हैं। तो आपका आवाज लो आ रहा है कि मुझे ही लो आ रहा है? अभी ठीक आ रहा है मैम, अभी ठीक है मैम। हाँ क्लियर है आपकी आवाज। क्लियर जी जी। तो इग्नेशिया और नेट्रोम्यूर जो है ग्रीफ और साइलेंट ग्रीफ की प्राइम रेमेडीज हैं, सबसे मेन मेडिसन है, तो ये आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए। मतलब ये मैं बिगनर्स के लिए जो अभी नया नया सीख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ स्पेशली। वंडरफुल सेशन मैम, आपने पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया इग्नेशिया का और वीडियो प्ले करके आपने एक एक चीज जी ऑब्जर्वेशन के लिए। इग्निशिया बहुत बड़ी रेमेडी है, हम लोग है ना बहुत बहुत कम जानते हैं सर, है ना इग्निशिया का। लेकिन मैं एक शेड बताना चाहती थी कि हम लोग बोलते हैं ना इग्निशिया का ये रूब्रिक है ना वीपिंग कंट्रोल है शायद से, वो रूब्रिक की वो रोती नहीं है या फिर वो आंसू वहां तक रहते, तो वैसे कुछ नहीं रहता है। अगर इग्निशिया को उसके तरह रोमांटिक अगर कुछ कोई मिल गया ना तो फिर वो उसके सामने सब बोल देती है। नेट्रमूर का भी वैसा ही, अगर नेट्रमूर बेड में अगर उसको लगेगा ना वो नेट्रमूर भी सब बोल देती। तो हमें ना ऐसे प्रेजुडाइज नहीं बनाने हैं, बॉक्स नहीं बनाने, ये मुझे आज इस केस में से दिखाना था कि हमें प्रेजुडाइज नहीं बनना है कि इग्निशिया नहीं रो सकती, सिर्फ पल से टिलाई रोटी ऐसे नहीं होता। तो बस यही सर, बोलिए सर। जी मैम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमको ऐसे बॉक्सेस नहीं बनाने चाहिए। मेरे पास एक फास्फोरस का केस था, वो बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला, वो एक वर्ड तक नहीं बोला बच्चा वो मेरे को। बराबर, तो आपने जेस्चर से पकड़ा कि आईपीआर से पकड़ा सर? जी वो मैंने मतलब अगर आप रूब्रिक देखेंगे तो फास्फोरस में ऐसे ढेर सारे रूब्रिक हैं,
जहाँ पर वो चुप रहता है, बोलता नहीं है। तो एक पहला रूबिक तो डलनेस हीट ड्यूरिंग था उसमें, जो मैंने लिया था डलनेस हीट ड्यूरिंग। और अभी थोड़ा ध्यान में नहीं है बाकी चीजें। हाँ है सर, उसमें वो फास्फोरस बोलता नहीं है, लेकिन उसके जो जेस्चर रहते हैं ना, उसमें से हम लोग उसे पकड़ सकते हैं। तो अफेजिया नाम का एक रूबिक है, उसमें भी फास्फोरस पड़ा हुआ। जी मैम, जी बोलिए, अगर किसी का कोई क्वेरी है। हेलो मैम। हाँ मैम, इस केस में फॉरसेकन मतलब मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। वो जो रो रही थी ना, उसको क्या लग, ये क्या बोली कि मेरा कोई नहीं है घर में, ये अलग पड़ गई है, अभी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना, समझा? ओके, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे फॉरसेकन। हाँ, और एक पॉइंट है शु, बोलू? बोलना बोलना। उसने सीधा बोला ना कि हस्बैंड का, जब उसने बोला कि मुझे डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाना है ट्रीटमेंट के लिए, तो हाँ, उसने बोला कि टाइम नहीं है। बराबर। हाँ, जब कोई हस्बैंड ऐसे बोलता है वाइफ को कि मुझे टाइम नहीं है ट्रीटमेंट को लेना है, जबकि इसको इतनी तकलीफ है, तो उसको अकेला, तब वहां पे उसका बहुत रोना बढ़ गया। इसीलिए तो 4 सेकंड लगा ना, इसीलिए मैंने डायरेक्ट पूछा कि आपको कोई नहीं ऐसे लगता है, क्योंकि वो फील आया ना मुझे। सपना मैम, समझा आपको? ये तो पहली बात तो रूब्रिक में बिल्कुल नहीं फंसना। इस केस में मुझे सिर्फ ग्रीफ दिखाना है आप लोगों को, पहले ग्रीफ पकड़ो। मीन्स कोर जो होता है रूब्रिक का, मीन्स रूब्रिक के पहले हम लोगों को पेशेंट को समझना है, और पेशेंट को समझने के बाद फिर रूब्रिक बनाना है। तो जब हमें पेशेंट में समझ में आता है ना, तो रूब्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये पेशेंट ग्रीफ में है, रिसेंट ग्रीफ में है। ये क्यों ग्रीफ में है? क्योंकि उसकी मदर इन लॉ नहीं है, और मदर इन लॉ को याद कर करके वो रो रही है। ये गेस्ट है केस का, समझा? वो जो उसका बोलना है, वो भी पहले क्या बोल रही है, मदर इन लॉ का, सब मदर इन लॉ का बोल रही है। आजकल के जमाने में मुझे बताओ कितने बहुएं आई वो मदर इन लॉ के बारे में इतना करती है, मीन्स बोलती है अच्छा वाला। कोई बोलता है? कोई नहीं। तो यही अनकॉमन था, पीक्यूआरएस था। आप लोगों ने क्यों नहीं बोला ये बात, मैं नहीं बोलने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा अभी बोल दो, जाने दो। मैंने सोचा था ग्रुप में डालेगा कोई, किसी ने नहीं डाला यार। यही बहुत अनकॉमन है, यही बहुत पीक्यूआरएस है। ये जो लेडी है, ये रोमांटिकली मदर इन लॉ से जुड़ी हुई है। तो जब हम लोग, आप लोग अगर फिलिप बेली पढ़ेंगे ना, तो हमें आप लोगों को ये समझ में आएगा कि बचपन से ही इग्निशिया ना अब्यूज्ड होती है। तो इसकी वजह से ना वो उसे ना लव प्यार वगैरह ये चीज नहीं मिली होती है, तो फिर वो ढूंढती है, तो उसने मदर इन लॉ में ढूंढाई है। ये पेशेंट में मैंने पूछा नहीं, लेकिन ये ऐसी जर्नी है इग्निशिया की, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये पेशेंट में नहीं, अगर मैं बोलूंगी तो फिर आप लोग बोलोगे कि ये पेशेंट बोली थी कि इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। ये बचपन से ही अब्यूज्ड हुई होती है इग्निशिया, बचपन से ही उसे सिखाया होता है कि मोरल, तुझे ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ऐसे हंसना है, सब उसको बताया जाता है, और उसे वो फॉलो करना पड़ता है। वो फॉलो भी करती है, लेकिन उसके मन के हिसाब से कुछ चीजें नहीं होती है, तो फिर वो बीमार गिरती है। देखो, इरिटेबिलिटी का एक रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी कॉन्ट्रेडिक्शन फ्रॉम इरिटेबिलिटी ट्रिपल्स फॉर्म। छोटी छोटी बातों से ये इरिटेबल होती है, तो ये स्टेट कब आएगी ना, जब पहले उसने बहुत सहन किया है, उसके बाद ये स्टेट आने वाली है। उसने बहुत सहन किया है, उसके बाद उसे थोड़ा सा भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जमता है, क्योंकि उसने मोरल की वजह से पहले बहुत सहन किया है, अब नहीं होगा, बस मैं सहन नहीं करूंगी, ये इरिटेबल हो जाएगी, समझा? तो
इग्निश है ना बहुत सेंसी ले वैसे देखे जाए तो उसको है ना वैसे समझो इग्निशा को, इग्निशा को समझ जब हम लोग समझेंगे ना तो फिर वो हमारे प्यार में पड़ जाती है इग्निशा। इतनी बढ़िया रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है, लेकिन उससे उसके हिसाब से हम लोगों को हैंडल करना होता है। अगर हम लोग उसके हिसाब से उसको रोमांटिक देंगे ना, रोमांटिक जो होता है वो प्यार वो देंगे ना, तब वो हमारा सब सुनती है, तो वही उसे नहीं मिल रहा है। समझा? 4 सेकंड तो ऐसे रूबिक लगाएंगे तो बहुत है केस में, लेकिन पेशेंट को समझो, पेशेंट का पेन समझो, उसका पेन क्या था, उसकी मदर इन लॉ जो रोमांटिक उसको लव दे रही तो वो नहीं रही, उसका लॉस हुआ है, उसका वो ग्रीप में गई। चलो और किसी को डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो हम लोग चलते वाइंड अप करते। मुझे तो कल की केसेस मुझे ट्रांसलेट भी करने कॉम्प्रेस करने बहुत काम है, तो सर वाइंड अप करते हैं। जी मैम। हाँ जी जी तो हमारी आई थैंक यू मैम, नाइस लर्निंग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू अशु। हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर अश्वनी कैलाश सोनावले मैम का बहुत बहुत आभार आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए। बहुत सिंपल तरीके से और लेकिन डीपली आपने इग्निशिया की जो स्टेट है उसको एक्सप्लेन किया है। आशा करते हैं कि हमारे आईएचएफ फैमिली मेंबर्स अभी इग्निशिया को मिस नहीं करेंगे। तो आज के इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी के पार्टिसिपेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल मेंबर्स, ग्रेटिट्यूड टू ऑल मास्टर एंड मैम मेंटर्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रवीण सर।